मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली थी। इस बीच इंडिया की कॉल आई, कैसा लग रहा है? ऐसे आंसू से क्यों दिख रहे हैं मुझे आंखों में आते हुए? मैं इतना कमजोर हूँ, मैं रोता नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग, फर्स्ट टाइम एक्चुअल। आप लोग ने ऐसा बना के रखा था कि ये आएगा तो एकदम कैमरा सामने रहेगा कि देखो भाई टीम में नाम आ गया। अबे यार, फेम देख लिया, कैसी लगी ये जिंदगी? अब जैसे स्क्वाड में आ गए हो तो कुछ पूजा वूजा, आप मंदिर वगैरह जाते हो? मेरी मम्मी दिन भर पूजा ही करती है, कहीं भी जाता हूँ तो बिना पाँव पड़े घर से निकलने नहीं देती। किसको देख कर आपने शुरू किया था? मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन हूँ सचिन सर का, तो वो मेरे आइडल रहे हैं हमेशा से, तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और बहुत खुश होता हूँ। रोहित शर्मा से आपने क्रिकेट खेला, क्या बात? विराट से क्या बात? बहुत ही अच्छा था, और थोड़ा डर भी लगता है एकदम से जाके आप सब बात भी नहीं कर सकते। पहले का टाइम, पुराना टाइम जब आप बॉम्बे आए थे और चीजें बहुत डिफरेंट थी, तभी भी एक ही ख्वाहिश थी और एक ही सोच थी, यही करना है कि ये जो मेरा रास्ता है, जो मेरा क्रिकेट है, उसके लिए मैं आजू बाजू की कोई भी चीज छोड़ सकता हूँ, वो कितनी भी प्यारी हो। नहीं, कहानी हमेशा चलती है कि आपने पानीपुरी बेचा था उस टाइम पे, वो मेरे लिए बेस्ट था कि यही ऑप्शन था। ठीक है भाई, जो है सामने उसको देखना है, आज ऐसा है कल बदलेगा। एक रणजी मैच चल रहा था और अजिंक्य रहाणे ने आपको फील्ड से बाहर भेज दिया था। भाई मेरे को कोई मेरे माँ बहन के बारे में बोलेगा, मैं थोड़ी सुनूंगा। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के वो दिग्गज जिनकी चर्चा कभी खत्म ही नहीं होती, और इनकी बैटिंग देख न जाने कितनी पीढ़ियों ने बल्ला उठाया, लेकिन सिर्फ बल्ला उठाने से अगर कोई क्रिकेटर बन जाता तो आज भारत की शायद हजारों टीम्स होती। बल्ला उठाना आपके क्रिकेटर बनने की गारंटी नहीं है, इसके लिए आपको करनी पड़ती है कड़ी मेहनत, ऐसी मेहनत जिसमें ना दिन का पता चले ना रात का, और जब इस मेहनत का फल मिलता है तो आपका जमाना यशगान करता है, ऐसा यशगान जो हम दशकों से देखते हुए आए हैं, और जब इसका फल मिलता है तो इस यशगान के बीच हमने कई नाम आते हुए देखे, कई खिलाड़ियों को देखा, और आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो उनका नाम भी यश से शुरू होता है। बैठकी में आपका स्वागत है यशस्वी जायसवाल। हेलो, हेलो एवरीवन, थैंक यू। बटलर के साथ ओपनिंग, संजू सैमसन के साथ नंबर 3 पर पार्टनरशिप, ठीक यशस्वी, आप अपने साथ ना मतलब अपने बैटिंग पार्टनर्स के साथ बॉलर्स को भी बैकफुट पर रखते हो, और आपकी टेक्निक ऐसी है, कहा जाता है कि लेफ्ट हैंडेड सचिन बैटिंग कर रहे हो, और कहानियां ऐसी कि मतलब उनके किस्से सुन सुन के आप शायद हैरान हो जाए, लेकिन 21 साल के यशस्वी की जो किस्से हैं वो उनके मुंह से सुनने में थोड़ा शायद ज्यादा मजा आएगा, ऐसा कुछ नया नहीं है, आपने सब कुछ सुना होगा, तो बिना ज्यादा देर करे अपनी इस बैठकी की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। WTC आप गए, टीम इंडिया के स्टैंड बाई प्लेयर्स में थे, IPL 2023 खूब सारे रन्स बनाए, सबने तारीफ करी, और अब कैसा लगता है, मतलब सही चल रही है जिंदगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, और मतलब जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, और जैसे अपने आप को रखता हूँ, तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए वर्ल्ड कप में जाना एज अ स्टैंड बाई प्लेयर्स, एंड हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला, पहली बार ड्रेसिंग रूम में गया तो काफ़ी काफ़ी डिफरेंट फीलिंग है, और बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। कैसी फीलिंग थी? ऐसी थी कि यहाँ मुझे भी कोशिश करना है और लगे रहना है कि मैं कल को अगर मुझे चांस मिले तो मैं कुछ अच्छा करूँ अपने देश के लिए। अच्छा, इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम और राजस्थान रॉयल्स का ड्रेसिंग रूम, वहाँ से बहुत टाइम से, कितना फर्क लगा, क्या फर्क लगा? अभी आप देखिए, हर जगह का अपना अलग रुतबा है, और ऑफ कोर्स इंडियन ड्रेसिंग रूम जो है वो जो लेगेसी चली आई है वो, मतलब मैंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि एक दिन मुझे वहाँ पे पहुँचना है और वहाँ पे जाके खेलना है और अच्छा करना है। तो जब अभी तक तो मैं प्रॉपरली नहीं गया हूँ, अभी स्टैंड बाई ही था, पर बहुत ही अच्छा फीलिंग है, और बहुत कॉन्फिडेंस, और बहुत बहुत कुछ सीखने जैसा है, और अपने गेम में अपने लाइफ में लाने के लिए मुझे जो वहाँ से सीखने मिला, कि मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन जो मेरा है वो एक कमिटमेंट है, और मुझे उस तरीके से उसको लेना है और आगे बढ़ते रहना है,
हमेशा सीखते रहना है और अपने आप को एज अ पर्सन डेवलप करना है, और क्रिकेट दोनों ही साथ ही साथ अपने आप को मैं कैसे लेके जाता हूँ यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है। काफी कुछ सीखने को मिला, आपने काफी कुछ देख लिया वहाँ पे। तो सीनियर से बात करना कैसा था? आपने विराट कोहली से बात की होगी, आपने रोहित शर्मा से बात की होगी, चेतेश्वर पुजारा से बात की होगी, राहुल द्रविड़ के साथ आप वापस जुड़े थे, वो सब कैसा था? बिल्कुल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कुछ नई चीजें मुझे समझ में आई जो मुझे अपने अपने आप में रखनी है। और जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन दी एंड जो भी है वो मुझे अपने आप को कैसे मैं अपने आप को लेके जाता हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ मैंने वहाँ जाके ज़्यादा सीखी कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन माई एक्शंस, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन माई वे ऑफ क्रिकेट एंड हाउ आई एम गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड आई गेस, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई माइंड सेट। आई विल मतलब मैं उनसे बात करूँगा, मैं बात करता हूँ हमारे सीनियर प्लेयर से, जैसे विराट भैया हैं, रोहित भैया हैं वो, और चेतेश्वर भैया हैं और राहुल सर हैं। मतलब मैंने जितनी भी बात की, मुझे जितना समझ में आ रहा था कि इन दी एंड मुझे ही जाके खेलना है, तो मैं अपने गेम को कैसे आगे लेके जाता हूँ और मैं क्या सीख के अपने गेम को डेवलप करता हूँ, तो घूम फिर के सारा है कि सब जगह से भी जो भी मुझे सीखने मिलता है इन दी एंड कि मैं कैसे अप्लाई करता हूँ अपने गेम में, अपने गेम की तरह से, अपने माइंडसेट की तरह से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे जितना लगता है। तो वही मैं कोशिश करते रहूँगा कि मैं सीखते रहूँ, और जितना इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरे सीनियर हमारे लेजेंड प्लेयर्स हैं जिनसे भी मेरी बात होती है, तो एक्चुअली बात कर करके ही चीज़ें समझ में आती हैं। सडनली कोई भी जाके एकदम से सब कुछ समझ नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे मुझे लगता है काफ़ी कुछ मुझे समझ में आता है, और मैं कोशिश करते रहूँगा कि मैं और डेवलप करते रहूँ अपने आप। तो रोहित से कुछ खास बात, विराट ऐसे खास बात तो एक चीज मुझे ऐसी लगती है, मुझे मुझ पे भरोसा करना है और मुझे विश्वास रखना है कि होगा, तो मुझे लगता है कि यही मुझे सब ने बोला कि यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर गेम, एंड आई थिंक आई ऑलवेज सेज दैट आल्सो, लाइक आई ट्रस्ट माय सेल्फ एंड आई बिलीव इन मी, then that is the most powerful word for me, I guess. Cricket से अलग क्या बात होती है? मतलब कुछ खास रोहित से, रोहित शर्मा से आपने cricket से अलग क्या बात की? Cricket से अलग तो यही भैया बोलते हैं कि वो मुझे मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि मैं क्रिकेट के बाहर कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अभी सब चीजें कैसे आपको बताएं इट्स बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, और विराट से? अभी यू आर अ बिग विराट फैन ना? मतलब मैं सभी अच्छे लगते हैं मुझे। विराट से क्या बात? मोस्टली तो मेरी क्रिकेट से ही ज्यादा रिलेटेड बात होती है, ऐसा कुछ बाहर की तो इतनी कुछ होती नहीं है। ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि मतलब ऐसे टिप्स नहीं मिलते कि भाई सोशल मीडिया से दूर रहना है, ऐसा करना है, वैसा करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हम बहुत रिलैक्स हैं, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से हम साथ में खाना पीना खाए बैठे, बहुत अच्छा लगा। नॉर्मल जैसे हम, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो कैसे आपको फैमिली वाली फीलिंग आती है, जब मैं वहाँ गया तो मुझे वो फीलिंग आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा था। और थोड़ा डर भी लगता है, एकदम से जाके आप सब बात भी नहीं कर सकते, तो वो एक मुझे लगता है कि होना भी बहुत ज़रूरी है। जब पता चला कि स्टैंड बाय प्लेयर्स में नाम है तो वो फीलिंग कैसी थी? अभी तो क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, मतलब अभी बहुत बहुत कुछ देखना है, बहुत आगे जाना है, तो मेरे लिए आई एम रिलैक्स। आई हैव सीन फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ, डजंट मेक मी रियली हैप्पी रियली लो, देन इट्स फाइन। मतलब यू वेंट हैप्पी, मतलब हैप्पी तो थे बट ऑफ कोर्स आई वाज नहीं थे, मतलब खुश तो मैं था ही। हां, पर मतलब मैं बहुत खुश भी नहीं होता हूं, मैं बहुत लो भी नहीं होता, क्योंकि क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है कि एक कंसिस्टेंसी का गेम है, तो आप जितना अपने आप को स्टेबल रखते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ जाता है, तो मेरे ख्याल से अगर अच्छा होता है, थैंक यू गॉड, ग्रेटफुल अगेन, वर्क, गो ऑन योर वर्क, व्हाट इज माय वर्क, व्हाट इज माय प्रोसेस, एंड फिर वही आगे देखते हैं। मम्मी, मेरा भाई बहुत खुश था, इतने जोर से गले लगा मुझे कि मेरा बैक ही दर्द करने लगा, तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है हमेशा, जब भी कोई भी बात होती है क्रिकेट की
या हम घर पे भी रहते हैं, तो मैं, मेरे भाई वो भी खेलता है, वो भी अभी इमर्जिंग कैंप में था, इंडिया इमर्जिंग कैंप था, तो उसका कैंप सूरत में था, तो वो भी जा रहा था और मैं भी जा रहा था, तो मैं इंडिया के लिए जा रहा था, वो इमर्जिंग कैंप के लिए जा रहा था, तो हम दोनों बहुत ही खुश थे, मम्मी पापा भी खुश थे, तो अच्छा अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम था। अब बहुत अच्छा टाइम हो गया है ना, मतलब पहले के मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके अपना ज्यादा, मुझे ज्यादा चीजों में ध्यान नहीं देना है, मुझे बस देना है कि मैं प्रैक्टिस कैसा कर रहा हूँ, मैं प्रिपेयर कैसे कर रहा हूँ, बाकी चीजें तो होती रहती हैं। पहले का टाइम, पुराना टाइम, मतलब व्हेन यू जस्ट केम टू बॉम्बे, जब आप बॉम्बे आए थे और चीजें बहुत डिफरेंट थी, तो मतलब तभी भी एक ही ख्वाहिश थी और एक ही सोच थी, यही करना है, बाकी कुछ नहीं है, इस चीज के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं आज भी वो कर सकता हूँ, तो मेरा तभी भी वही माइंड था, आज भी है कि ये जो मेरा रास्ता है, जो मेरा क्रिकेट है, उसके लिए मैं आजू बाजू की कोई भी चीज छोड़ सकता हूँ, वो कितनी भी प्यारी हो। इतना स्ट्रगल किया आपने पहले? मेरे को नहीं लगता मैंने स्ट्रगल किया, मुझे ऐसा लगता कि वो मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा पार्ट था, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा जब भी लो जाता है तो वो मुझे वो चीज याद दिलाता है कि यार मैंने क्रिकेट क्यों शुरू किया था, क्या सोच के शुरू किया था, क्यों मुझे मेहनत करना है, तो जब भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं यही सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ क्रिकेट अच्छा खेलना है, बाकी सारी चीजें तो हैं, क्योंकि अभी मुझे 4-5 साल का एक्सपीरियंस आईपीएल का हो गया, मैंने फेम देख लिया थोड़ा, मैंने वो दुनिया भी देखी जो बोलते हैं कि लोगों को जाते हैं तो समझ नहीं आती, तो मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि क्या जरूरी है, कि अपने आप को मैं कैसे उस ट्रैक में रखता हूँ, तो मेरे लिए मुझे यही लगता है बस कि मैं अब यहाँ से आगे कैसे जाता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जो हो गया वो हो गया, आगे कैसे जाना है वो सोच रहे हैं। फेम देख लिया, कैसी लगी ये जिंदगी? फेम मतलब इतना भी नहीं देखा, हाँ। मतलब लोगों को देखा, जो जैसे कि आप पहली मैच जाओगे, आप देखोगे आपके आजू बाजू बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो नर्वसनेस होता है, जो फीलिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो धीरे धीरे आप उससे यूज टू हो जाते हो, फिर वो भी आपको जगह नॉर्मल, मतलब आप एडजस्ट हो जाते हो, तो मुझे लगता है वही मेरा मतलब वो था, क्योंकि फेम तो है यशस्वी, मतलब आप बहुत इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट ये है मेरे लिए नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हो गया वो हो गया, अभी आगे मुझे कैसे लेके जाना है वो इम्पोर्टेंट है। आगे कैसे लेके जाना? यही कि मेरा फोकस, मेरा डिसिप्लिन, मेरा रूटीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफस्टाइल आफ्टर क्रिकेट कैसे रखता हूँ मैं, कैसे अपने आप को मैनेज करता हूँ, ये सारी चीजें जरूरी हैं और वही मुझे डिसिप्लिन में लाती हैं, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ कि मैं प्रैक्टिस कैसे कर रहा हूँ, मैं सो कब रहा हूँ, मैं उठ कब रहा हूँ, मैं खा क्या रहा हूँ, मैं फिटनेस कितना कर रहा हूँ, बॉडी कैसे मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ हो, है ना, कि प्रैक्टिस कम करने लगे, फिटनेस पे कम ध्यान दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। सोशल मीडिया के टाइम पे मतलब बहुत सारे डीएम्स आते होंगे आईपीएल के बाद, जब सेंचुरी लगी उसके बाद काफी सारे मैसेज आए होंगे, मतलब आई एम रियली थैंकफुल दैट हूएवर टेक्स्टिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड शोइंग देयर लव, एंड आई ऑलवेज सेज लाइक आई रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु शोज द लव एंड सपोर्ट टुवर्ड्स मी, बट आई थिंक आई डोंट try to reply on Instagram and I just try to keep it myself and make sure that I'm not going too much there. मुझे सिर्फ funny से messages नहीं आते हैं। नहीं, मैं इतना open ही नहीं करता। अच्छा, देखते ही नहीं मैसेज? नहीं, अगर मैं कुछ पोस्ट वगैरह भी डालता हूँ तो मैं डाल के छोड़ देता हूँ, न कमेंट पढ़ता हूँ न टेक्स्ट मैसेज देखता हूँ। तो आपको पता ही नहीं चलता वो लोग आपके ऊपर, मतलब ऐसे जब तो मुझे तो जानता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, पर ऐसा है कि मुझे अपने आप को अगर संभाल के रखना है तो मुझे करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। आपको पता है जब आप कुछ करते हो बड़ा, जब आप सेंचुरी बनाते हो, जब आपने फास्टेस्ट 50 लगाया आईपीएल का, तो उस टाइम पे ना एक कहानी हमेशा चलती है कि आपने पानीपुरी बेचा था जी,
मतलब हाउ डू यू फील, अब कैसा लगता है क्योंकि इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, उसके बाद आपने अंडर 19 खेला, उसमें बहुत शानदार परफॉर्म किया, आईपीएल में कंटीन्यूअस परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब हाउ डू यू फील कि मतलब ठीक है वो पास्ट में हो गया है, उसको जाने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरी आगे की कहानियां बताइए ना कि मैंने इससे पहले भी मैंने डोमेस्टिक में 200 से बना रखा है और बाकी सारी चीजें। ऐसा है कि मुझे वो आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट आई हैव सीन एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई रियली थैंक मतलब आई रियली थैंक टू गॉड दैट आई हैव सीन ऑल ऑफ इट। एंड मुझे ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, मैं बस प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ कि आज क्या चल रहा है, अभी कैसे अपने आप को रखना है वो जरूरी है, जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं, जो आने वाला है वो भी मेरे हाथ में नहीं, हाथ में क्या है, यही प्रेजेंट अभी आप और मैं साथ में। अपने कहानी के बारे में बताइए थोड़ा सा। क्या बताओ, मतलब कुछ भी थोड़ा सा, मतलब जो पार्ट मिसिंग है, क्योंकि लोग ना टुकड़ों में शेयर करते हैं, जो चीज बिकती है उसको आगे लेके आते हैं, जैसे पानीपुरी वाला एंगल, जैसे जब आप काम कर रहे थे और प्रैक्टिस करते थे तब आपका बैग पैक कर दिया था, जहाँ आपने डेयरी में काम किया था उन्होंने आपको बोला था कि आप यहाँ नहीं रह सकते, फिर आप आजाद मैदान गए, वहां पे टेंट में रहे। जी बिल्कुल, सारी चीजें मैंने की हैं और अच्छा टाइम था, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि मेरा टाइम वो खराब था या मैं स्ट्रगल किया, वो मेरे लिए बेस्ट टाइम था उस टाइम के लिए, उस टाइम पे वो मेरे लिए बेस्ट था कि यही ऑप्शन था। ठीक है भाई, जो है सामने उसको देखना है, आज ऐसा है कल बदलेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। घर छोड़ते हुए कैसा लगा था, मतलब जब एकदम छोटे से जब निकला तभी तो, कितने साल के थे, बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, पर ऑफ कोर्स घर से दूर, मम्मी पापा से दूर, इट्स नॉट दैट इजी, मतलब बोलने के लिए भी है, आप सोच के भी देखो, अगर आप 20 साल के भी हो, आप अपने घर से कहीं जा रहे हो और आपको पता है आप 1.5-2 साल बाद आओगे, वो फीलिंग ही अलग है। तो पहले इनिशियली थोड़ा मुझे ऐसा लगता था कि यार कैसे होगा क्या होगा, पर टाइम के साथ जाते 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 इतना बिजी हो गया अपनी चीज़ों में, अपने सपनों में, कि फिर मैं धीरे धीरे भूल ही गया कि मुझे क्या करना है, मेरा ध्यान उस पर ही रहता था बस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हो गया वापस घर चलते? ऐसा तो मतलब हुआ, 2-3 बार हुआ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरी काफी मदद की, बहुत ही मुझे अच्छे से, वो जो एक 14 से लेकर 18 की एज होती है उसमें मुझे बहुत संभाल के रखा, सही चीज़ों में रखा, मुझे सही चीज़ों में गाइड किया, और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जैसे कि मेरे मम्मी पापा, उन्होंने बहुत सपोर्ट, मतलब ऑलवेज हमेशा, जैसे बोलते हैं ना माँ बाप तो अगर वो हैं तो आपको किसी चीज़ की उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मम्मी पापा की बातें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं बहुत। कैसे कनेक्ट करते थे मॉम डैड से, कॉल किया करते, कॉल करते थे, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपनी मम्मी को ही बोलते हो, स्पेशली मैं मेरी मम्मी से कुछ नहीं छुपाता। अच्छा, और पापा से? पापा से थोड़ा छुपा लेता हूँ, जैसे बहुत सारी चीजें उनसे थोड़ा, मतलब पापा हैं तो मम्मी बोलती नहीं जाने दो मैं बता दूंगी। कोई किस्सा कुछ छुपाया हो, बाद में पिटाई हो गई हो? ऐसा तो नहीं, पापा मारते तो नहीं है। हाँ। पर डर लगता है बस, अभी आपके पापा से आपको नहीं डर लगता? अच्छा मैं आपका किस्सा जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मतलब थोड़ा बहुत डर लगता है, अभी भी लगता है मुझे तो। मम्मी पापा से अलग आपने भदोही में पहले वहीं पे क्रिकेट खेलना शुरू किया था, आपके पापा भी क्रिकेटर हैं? जी मेरे पापा खेलते थे, उन्होंने ही हमको सिखाया, मतलब एकदम जब छोटा था मैं तब उनका इंटरेस्ट हमसे ज्यादा था, फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, मेरा भाई, हम तीनों साथ में ही खेलते थे हमेशा, पर हम तभी बहुत छोटे थे। पापा ने छोड़ा क्यों? वो बोलते हैं कि उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, उतना वहां पे स्कोप नहीं था कि वहां से खेल सकते थे आगे, भदोही से। और अब आप जब तक वहां पे थे आपको ऐसा लगता था कि वहां पे स्कोप नहीं है,
क्योंकि आप बॉम्बे 100% वहां पे इतना स्कोप नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपके पास मैचेस नहीं है। यहाँ क्या बहुत कुछ, मतलब थैंक्स टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की, जैसे उन्होंने सारे क्लब क्रिकेट से प्लेयर्स को ग्रूम किया है, मुझे ग्रूम किया, इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके खेल सकता हूँ। और जैसे कि अंडर 14, 16, 19 स्टेट जो भी मैचेस होते हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है क्रिकेट के लिए, जैसा कि बोला जाता है, और बहुत बहुत कुछ सीखने जैसा है यहाँ पे। मुझे लगता है I'm really lucky that I'm playing for Mumbai. ज्वाला सिंह के बारे में बताइए ना, आप उनको भगवान का दर्जा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 100% की ज्वाला सर ने जो मेरे लिए किया है वो आई डोंट थिंक सो कोई किसी के लिए करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एक्चुअली बदली वहीं से जब मैं ज्वाला सर से मिला और जब मैं वहां से अपना क्रिकेट डेवलप कर रहा था। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट ही वाज, देन या आई एम रियली हैप्पी दैट आई मेट हिम एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग। कैसे मिले थे आप उनसे? आजाद मैदान पे ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो सर आए, तो मैं बैटिंग कर रहा था, ए डिवीजन का मैच चालू था, तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे पूछे कि तू कहाँ रहता है। तो मैंने बोला कि सर यहीं पे रहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे ट्यूसडे या थर्सडे कुछ तो रहा, तू आके मिलना। तो मैं वहाँ गया, मिला उनसे, और फिर उन्होंने बोला कि आज से तू यहीं पे रह, मैं देखता हूँ कि तू और कैसे आगे बढ़ सकता है और क्रिकेट खेल सकता है। और उन्होंने हाथ दिया, अपने हाथ पकड़ा और आगे की कहानी शुरू। बिल्कुल, उस टाइम पे उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए और बहुत हेल्प की ओवरऑल सभी चीज़ों में। देन या इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। पाकिस्तान के खिलाफ 100 वो ऑडियंस में थे, यू डिडंट नो अबाउट इट कि वो है? मुझे उस दिन मैच में तो नहीं पता था कि वो थे, पर मैच के बाद मुझे, मैं गया था उनसे मिलने। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस बोले वेल प्लेड, थैंक यू, बस इतना ही। और क्या करेंगे भाई, आपने सेंचुरी मारी है पाकिस्तान के अगेंस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप। जी अच्छी बात थी, पर मुझे फाइनल के लिए तैयारी करनी थी। यशस्वी बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करते कुछ भी। नहीं करता हूं मैं, उस दिन करता हूं बस। किस दिन? जिस जैसे कि मैंने आज परफॉर्म किया, हाँ। तो मैं आज शाम को, अगर मैं एंजॉय करना भी है तो मैं आज शाम तक करूंगा, उसके बाद से। कैसे होता है वो एंजॉयमेंट? कुछ भी, अच्छा कहीं गए, साथ में खाना खा लिया, हाँ। मैंने किसी को खिला दिया, या कोई भी छोटी मोटी, ऐसा कुछ नहीं बहुत बड़ा कुछ करना है मुझे। कोई पार्टी वार्टी नहीं, शांति से गए, शांति से लौट आए। क्या और क्या करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, मतलब बॉडी भी तो रिकवर करानी है। फाइनल कैसा था अंडर 19 वर्ल्ड कप? काफी अच्छा था फाइनल, पर हम जीते नहीं, तो कोई बात नहीं, पर हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाया उसमें। जीत के बाद बहुत कुछ हुआ था, फाइट वगैरह हो गई थी बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ, वो सब क्या था? वो थोड़ा बहुत हो जाता है क्रिकेट में कभी कभी, तो ठीक है, अभी क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो उसके बाद टीम का माहौल कैसा था? मतलब आप अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑब्वियसली हार गए, लड़ाइयाँ हो गई उसके बाद, तो जब वापस आए राहुल द्रविड़ ने क्या कहा, क्या बातें हुई टीम मीटिंग में? कुछ नहीं, क्या बोलेंगे, हमको यही था कि हमें अच्छे से कोशिश करना है और ये ट्राई करना है कि हम अपना 100% दें, और मुझे लगता है हम सब ने वो किया था। तो रिजल्ट इट्स ओके, समटाइम्स इट विल गो इन योर फेवर, समटाइम्स इट वोंट। अच्छा सफर था ना अंडर 19 वर्ल्ड कप का? बिल्कुल, वन ऑफ, आई थिंक somebody has told me before the tournament, you don't realize how important this match is,
when it will finish, when you will grow, then you will always talk about this tournament when you meet to your colleagues. And that is so true. Whenever we meet, we 100% we talk about that. Then it's something like which we always remember. कैसा था राहुल द्रविड़ के साथ काम करना? मैं जैसे राहुल सर से क्रिकेट के बारे में क्या पूछना है, कैसे रहना है, माइंडसेट, ये सारी चीजें में हमारी मतलब मैंने ज्यादा बातें की हैं राहुल सर से कि अपने आप को प्रेजेंट में कैसे रखते हो और कैसे मतलब कौन से सिचुएशन में क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे भी. और हमेशा सर को पता चलता था कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहा हूँ, तो हमेशा उनको पता था कि मेरे से मतलब मेरे से बात कर लेते थे कि क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, ऐसा. मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड्स तो हैं ही सर. और अब जब WTC में गए तब बात हुई? बिल्कुल हुई. उन्होंने वही बोला कि keep preparing hard and keep doing what you're doing. इतने सीरियस लग रहे हो ना यशस्वी, और आप उससे कह रहे थे कि मैं दिखता हूँ सीरियस, लेकिन मैं हूँ सीरियस नहीं. मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं बोला मैं सीरियस तो हुई हाँ. पर कैमरे पे मैं ज्यादा सीरियस हूँ. ज्यादा सीरियस दिखता. और आपके सवाल भी इतने डिफिकल्ट आ रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ. मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली थी. इस बीच इंडिया की कॉल आई. कैसा लग रहा है? ऐसे आंसू से क्यों दिख रहे हैं मुझे आंखों में आते हुए? मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं रोता नहीं. टेस्ट मतलब हो जाएगा ना, खेलोगे ना? देखिए क्या होता है. कुछ तो बोलो. क्या बोलूं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. गुड फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग. फर्स्ट टाइम एक्चुअल आप लोगों ने ऐसा बना के रखा था कि आएगा तो एकदम कैमरा सामने रहेगा कि देखो भाई टीम में नाम आ गया. अबे यार मतलब अमेजिंग फीलिंग. ऑफ कोर्स आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू गॉड आई कैन से, एंड थैंक यू ऑल 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 द सपोर्टर्स, सिलेक्टर्स एंड कैप्टन, एवरीवन. दे हैव शोन फेथ ऑन मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स each and everyone who has supported me and did something for me. Yeah, it's a special moment. I need to accept, I need to enjoy and go forward. लग रहा है मतलब जितनी मेहनत की थी सब वसूल हो गया ना. रणजी में बहुत रन बनाए थे यार. अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बना है, शुरुआत है और अभी मुझे बहुत आगे जाना है. तो आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट इट्स आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री. अच्छा अब जैसे स्क्वाड में आ गए हो तो कुछ पूजा वूजा आप मंदिर वगैरह जाते हो? आप कुछ करते हो मतलब क्या? मेरी मम्मी दिन भर पूजा ही करती है. तो मम्मी है, जब तक मम्मी कर रही है तब तक मैं बस. मेरे को कहीं भी जाता हूँ तो बिना पाँव पड़े घर से निकलने नहीं देती. तो वही है, जब तक मम्मी रहती है आजू बाजू तो बिना वो मतलब जैसे कि पाँव पड़े या भगवान के पास खड़े होके. मैच से पहले करते हो? बहुत सारी चीजें करते हैं मैम. मेरा मतलब मानना है कि आप अच्छा काम करोगे, आप लोगों के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके लाइफ में अच्छा होगा. और भगवान तो है ही, हम रोज नहीं जाते लेकिन मैं मन से तो हमेशा गणपति बप्पा, हनुमान जी, साई बाबा, भोलेनाथ सबको मानता हूँ. और मैं मन से यही रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ. बाकी अपने जो मेरे काम है, जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से करूँ. बाकी सब ठीक, मंदिर इतना नहीं जाता. आपको ये बात सिली लगेगी लेकिन मतलब लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली कि क्रिएटर्स मैच में उतरने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या सोचते हैं, क्या कुछ है ऐसा कि ये तो करके चलना है तभी जाके रन बनाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हो रोज, जितनी प्रिपरेशन करते हो, प्लानिंग करते हो अपने गेम की, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं वो ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती. आपका दिमाग कैसा है, कैसे सोचते हो, प्लान क्या करते हो, खेल क्या रहे हो, प्रिपरेशन कैसी है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती. एक रणजी मैच चल रहा था और अजिंक्य रहाणे ने आपको फील्ड से बाहर भेज दिया था. अब जो बातें हो चुकी हैं उसके बारे में मुझे बात करके क्या? मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि यशस्वी कैसे किसी को स्लेज कर सकते हैं.
अब कैसे बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि एग्रेशन जरूरी है। मेंटली मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, अंदर से मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, कभी कभी दिख जाता है आई गेस, पर मैंने ऐसा कुछ खास तो बोला नहीं था, पर जो होता है ठीक है, क्या उसके बारे में बात करके क्या मिलेगा। अच्छा तो ये स्लेजिंग जो है जब आप आ गए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलोगे, इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलोगे तो उसमें दिखेगा क्या बोलूं? ऐसे थोड़ी होता है, अभी मैं क्या बोलूं मैम, ये तो रखना चाहिए ना भाई, विराट वापस देते हैं ठीक है, अगर कोई सामने से बोलते तो विराट विल गिव इट बैक। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई वांट टू कीप इट विद मी लाइक अ स्पंज, व्हेन आई नीड टू स्क्वीज इट आई विल। अच्छा मतलब जब होगा तब होगा, कुछ कह नहीं सकते क्या बोलूं मैं अभी आप, लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं होता ना, कौन बोलता है, सबके साथ होता है सब, हाँ। लेकिन किसी को पता नहीं चलता, आईपीएल में पता नहीं चलता, रणजी वगैरह में या फिर इंटरनेशनल टेस्ट वगैरह जब होते तब ज्यादा क्लियर होता है। डिपेंड करता है कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है भाई, मेरे को कोई मेरे माँ बहन के बारे में बोलेगा मैं थोड़ी सुनूंगा। आपको किसी ने स्लेज किया है? I don't want to talk about this. आज ठीक है, ओके। यशवेंद्र चहल, उनकी पर्सनालिटी कैसी है? बहुत ही अच्छे हैं भैया, बहुत मजा आता है उनके साथ, बहुत कुछ बॉलिंग में मैंने उनसे सीखा है और बिल्कुल कि वो कैसे बॉल डालते हैं और क्या कैसे क्रीज यूज करते हैं, फील्ड कैसे लगाते हैं, तो काफी काफी कुछ आइडिया आया उनके साथ। बैटिंग टिप्स मिले थे उनसे कुछ? नहीं, बैटिंग टिप्स तो देते हैं ना वो, इतनी नहीं देते वो, कितने पर मजेदार हैं भैया, बहुत मजा आता है उनके साथ। अच्छा तो कभी ऐसा कहा नहीं भाई तूने सेंचुरी बनाई है मेरे को क्रेडिट दे दे मेरा, सूर्य के टाइम पे तो कहा था उन्होंने ऐसा, क्रेडिट चाहिए मुझे मेरा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, इस बार कैसे एकदम चेंज हो गया आईपीएल, इस बार अप्रोच क्या थी, मतलब आईपीएल 2021-22 इतना कुछ नहीं था लेकिन 23 बहुत शानदार था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन ही मैं बोलूं और एक्सपीरियंस हुआ मुझे थोड़ा कि, और जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि विराट भैया और रोहित भैया से बात होती थी इतनी, तो वो और जैसे कि मैं आई प्लेड अलॉट विद जॉस भाई एंड संजू भाई संगकारा ओवरऑल आई एंड स्पेशली आई रियली वॉन्ट टू थैंक जुबिन बरूचा सर, विच आई थिंक थैंक्स टू हिम दैट आई इम्प्रूव माई क्रिकेट रियली वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स, द वे ही हैज केप्ट मी एंड कीप पुशिंग मी इन एवरी एरियाज, आई थिंक दैट वॉज समथिंग रियली इनक्रेडिबल, मीन्स पीपल से यू नो वर्क बिहाइंड द सीन दैट ही वॉज द मैन who was with me standing in the sun and letting me do what I wanted to do and how to do and what preparation I can do. I think we need to, I always think that these things are more precious than what I will do in the match, because that will be the result and this is the process. Process is okay, result will come. So mujhe lagta hai ki ye sari cheeze bahut important hai. Tok rahi hu main aapko lekin hindi mein baat kijiye. Bilkul हिंदी में ही बोलना है अभी, इतना तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलता है कभी कभी बीच में, भदोही से आपको लोग देखेंगे ना। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं प्रिपरेशन या जो मैं अभ्यास करता हूँ मैच के पहले, जैसे कि जुबिन बरूचा सर के साथ मैंने काफी प्रैक्टिस की, अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस की, फिर वो मैच में रिफ्लेक्ट हुआ, तो मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। पूरे साल मैंने वैसे मैं कंसिस्टेंट 2-3 साल से करते रहा, तो मुझे काफी काफी मदद मिली उसकी, उससे लोगों से काफी मदद मिली। संजू सैमसन उनका स्टाइल ना बड़ा कमाल का है, लोगों को बड़ा पसंद आता है कि वो आते हैं और आते ही अटैकिंग गेम खेलते हैं और वो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे नहीं खेलूंगा, और ये पूरे आईपीएल में दिखता भी है और इसके लिए वो क्रिटिसाइज भी होते हैं। अब मुझे नहीं पता भैया ने क्या बोला है क्या नहीं, पर आई थिंक आपने क्या सीखा उनसे, यही कि उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है और हमेशा टीम के लिए खेलना है, ये चीज मैंने सीखी कि वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी रन बना सकें जो कि हमको बेनिफिट देंगे, टीम को बेनिफिट देंगे और टीम के लिए खेलते हैं,
तो बहुत ही मजा आता है उनके साथ बैटिंग करके, स्पेशली जब मैं उनके साथ बैटिंग करता हूँ, हम कैसे बात करते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, हर चीज के बारे में बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। जॉस बटलर और जो रूट के साथ कैसा रहा, उन दोनों से कैसे? मुझे लगता है जॉस अलग अलग है, जॉस भाई से बहुत कुछ सीखने जैसा है और वो बहुत सिंपल रहते हैं और मुझे लगता है वो इतने बड़े प्लेयर हैं आज के टाइम में, मतलब देखा जाए तो उनके साथ मैं बैटिंग करके मुझे बहुत आइडिया आता है कि हाँ किस बॉलर को अटैक कर सकते हैं, कौन सा शॉट खेल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बस सिंपल चीज़ें बताई कि गुड क्रिकेटिंग शॉट्स, बहुत सिंपल है पर उसके लिए बहुत प्रिपरेशन लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं तो हम रन बना सकते हैं, तो वो मुझे हमेशा यही बोलते हैं उसकी तैयारी करो। तो वो एक चीज़ मेरी हमेशा उनकी उनकी बोली हुई मेरे दिमाग में रहती है। विराट भैया भी यही बोलते हैं कि नीचे से चौके कैसे मार सकता है, कैसे नीचे से रन बना सकता है, गैप्स कैसे ढूंढ सकता है, भाग कैसे सकता है, बीच में मार के दो कैसे भागेगा। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत बहुत फर्क लाती है। जो रूट के साथ कैसा था? अच्छा था, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था जो भाई से, पर ऑफ कोर्स उनसे काफी बातचीत होती है कि इंग्लैंड का कंडीशन कैसा होता है, जब वो इंडिया आते हैं तो उनका माइंडसेट कैसा रहता है, ये सारी चीजें। 2023 वर्ल्ड कप बहुत करीब है, उसके बारे में क्या प्लान है? कुछ प्लान नहीं है अभी, तो प्लान सही है कि कल मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी कोई प्लान नहीं है। आप ओपनर हो, शुभमन गिल ओपनर है, ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, दोस्ती प्यारी होगी ना, आप लोग साथ में खेलते हैं, कुछ खास नहीं, मतलब सबसे कुछ ना कुछ सीखने जैसा ही है। और दूसरी चीज कि मैं अपने ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ कि मैं अपने आप को कैसे रखता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ, तो उनके साथ ऑफ कोर्स जब मैं रहता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है खेलने में, बहुत ही अच्छा लगता है ड्रेसिंग रूम शेयर करने में। आप ओपनर कैसे बने? ऐसे ही एक मैच था जिस वनडे का, तो मैं 5-4 नंबर बैटिंग कर रहा था, तो मैं वहां पे आउट हो रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर जाके अच्छा रन बना सकता हूँ। तो मैंने कोच को बोला कि सर मुझे लगता है, एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि आशीष कपूर सर हमारे इंडिया के चेयरमैन थे अंडर-19 वर्ल्ड कप के, तो मैंने उनसे पूछा था सर एक चांस दीजिए ओपनिंग का अगर मिल सकता है, तो बोले ठीक है मैं देता हूँ। तो उन्होंने मुझे चांस दिया था, तो मैंने अच्छा किया, मैंने 100 बनाया, फिर वापस 2-3 मैच 5 नंबर पर बैटिंग किया, फिर मुझे उन्होंने चांस दिया, तो मतलब धीरे 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 वो डेवलप होते चला गया। एक रैपिड फायर और खेल लेते हैं। आपका रैपिड फायर तो बड़ा डेंजर होगा भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ड्रीम ओपनिंग पार्टनर? सचिन तेंदुलकर सर। ओह, किस बॉलर को फेस करना मतलब सबसे आसान लगता है कि इसको तो मैं झेल लूंगा? ऐसा नहीं है, कोई भी बॉलर आसान नहीं है। एक नाम सबसे आसान लगता है, मेरा दोस्त है ध्रुव जुबैल, उसको। और किसको फेस करना सबसे मुश्किल है? मेरे को तो कोई नहीं लगता मुश्किल। ठीक है, किसको देखकर आपने शुरू किया था? किसको देख के शुरू किया था, मतलब हम सचिन सर को बहुत देखते थे, मेरे पापा बहुत पसंद करते थे, तो हम जब भी मैच आता था तो देखते थे, तो वो एक बहुत ही मतलब मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन हूँ सचिन सर का, तो वो मेरे आइडल रहे हैं हमेशा से, तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और बहुत खुश होता हूँ। लास्ट यूट्यूब पे क्या सर्च किया था? पता नहीं, चेक कर सकते हो? नहीं, मुझे नहीं करना है। लास्ट गूगल क्या किया था? यही BCCI न्यूज। ओह नाइस। और डेटिंग ऐप है फोन में? नहीं। क्रिकेट के बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्रिकेट के बेस्ट फ्रेंड मुझे लगता है मेरा भाई है ओबेड मोकाई है, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ध्रुव बहुत अच्छा है, मेरा भाई तेजस्वी जायसवाल, तो वो भी खेलता है तो मजा आता है।
मजा आता है। और आपने अपने भाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया ना, मतलब वो आपके साथ खेला करते थे पहले और यही कि मतलब वो अभी त्रिपुरा से ट्राई कर रहा है खेलने के लिए और हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही मजा आता है। वो राइट आर्म फास्ट बॉलर और लेफ्टी बैट्समैन है और वो अभी इमर्जिंग कैंप में गया था, तो आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड टू सी हिम प्लेइंग फॉर रणजी ट्रॉफी इन त्रिपुरा एंड आई होप दे विल दिस ईयर ही विल रिप्रेजेंट त्रिपुरा, लेट्स सी। ठीक है, हमने आपके बारे में ना कार्ड्स डाले थे सोशल मीडिया पर और लोगों के कुछ सवाल हैं। सुमित कुमार का पूछना है कि क्या क्रिकेट में नेपोटिज्म है? मतलब नेपोटिज्म क्या होता है? किसी फैमिली पर्सन को बैक किया जाता हो किसी अपर अथॉरिटी की तरफ से, ऐसा कुछ होता है? आई डोंट नो, यू नो। सार्थक पूछे कि कोई गाना गाकर सुना सकते हैं आप? मूड के ऊपर। अच्छा, आप गा सकते हैं? अरे अभी आप गाड़ी चला रहे हो तो गाना गा लेते हो ना वैसे। मतलब आप गा लेते हो वैसे? जाना चाहिए। नहीं, गा नहीं लेता, ऐसे ही बस पढ़ लेता हूँ। अच्छा ठीक है। और ये गरिमा भारद्वाज का सवाल है कि क्या आप डांस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। अच्छा ठीक है। अमन का पूछना है कि रिंकू सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? कि बहुत ही मस्त भाई हैं, बहुत मजा आता है उनको देख के और जब भी मिलते हैं तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आते हैं और ऑफ कोर्स ही इज द वन अमेजिंग प्लेयर। नीरज जानना चाहते हैं कि अगर यशस्वी कप्तान बनेंगे तो कैसे कप्तान बनेंगे? पता नहीं मैम, जब बनूंगा तब देखेंगे। सर मतलब अग्रेसिव होंगे, काम टाइप? बहुत दूर की बात है मैम, अभी कहां से बता दूं, अभी बहुत टाइम है उसको। चलिए ठीक है जी, यशस्वी के साथ बैठ के मैं बस इतना ही। थैंक यू।